अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे स्कूटी का पेट्रोल मीटर रुक जाने की वजह क्या होती है। ये लीजिए, कीली को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जब हम देखते हैं तो पेट्रोल मीटर वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, पेट्रोल मीटर आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए पीछे चलते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सीट को ओपन करना पड़ेगा, इसकी डिक्की को निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद आपको पेट्रोल टैंक के पास एक फ्लोट नज़र आएगा। ये है पेट्रोल टैंक का फ्लोट और ये रही इसकी सॉकेट। तो दोस्तों हमें इस सॉकेट को निकाल कर इसको डायरेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। ये रही इसकी सॉकेट, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए हमें एक वायर पीस की ज़रूरत पड़ेगी। ये रही वायर पीस, वायर पीस को जो है हम डायरेक्ट करेंगे इसके अंदर डाल के डायरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मालूम हो जाएगा कि वायरिंग अगर कुछ ठीक नहीं है तो वायरिंग का फॉल्ट है, नहीं तो वायरिंग चेक करना पड़ेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरीके से हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट हो गया। अब चलिए मीटर के पास चलते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आपका मीटर वर्क करने लग गया। इसका मतलब आपकी वायरिंग भी सही है, मीटर भी सही है। तो फॉल्ट जो है दोस्तों आपको ये पेट्रोल फ्लोट का है। ये देखिए, अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ और धीरे धीरे से पेट्रोल जो है नीडल नीचे आ रहा है। तो दोस्तों इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट जो है आपको सिर्फ पेट्रोल टैंक का फ्लोट की है। आपको ये फ्लोट चेंज करना पड़ेगा। अगर ये आप फ्लोट चेंज कर देंगे तो आपका जो है टैंक का जो मीटर जो है सही तरीके से वर्क करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।